लोडिंग के बाद हमारा ट्रैक्टर फील्ड से कोल्ड स्टोर पे जाता है। वहां पे पहुंचने के बाद ट्रैक्टर का जो ड्राइवर होता है उसके पास दो तरह का चालान होता है। एक तो जो अभी बताया मैंने कि जीविका और टेक्नोसर्व का जो कॉपी होता है, जो चार कॉपी में से एक कॉपी था, वो कॉपी वहां पे जो हमारा वीआरपी बैठे हुए होते हैं उनको दिया जाता है। उसमें सारा डिटेल्स होते हैं कि किस ब्लॉक के किस गांव से और कितना चालान नंबर से टोटल कितने बैग्स आए हैं। अनलोडिंग के बाद क्या होता है कि जो हमारे वीआरपी वहां पे कोल्ड स्टोर लेवल पे है उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो उस चालान पे लिखा हुआ है उतना पैकेट सही सलामत आया है कि नहीं। उसके बाद एक और छोटा सा चालान होता है जो ट्रैक्टर कॉपी बोलते हैं, वो हमारा अलग होता है। इस चार कॉपी से अलग वो चालान होता है। वो ट्रैक्टर कॉपी पे लिखा हुआ होता है कि इस चालान नंबर का टोटल इतना पैकेट, या दो तीन चालान का एक ट्रैक्टर में अगर गया है तो दो तीन चालान का उस पे मेंशन होता है कि टोटल उस चालान को मिला करके हमारे इतना पैकेट इस पर्टिकुलर ट्रैक्टर से इस ड्राइवर के माध्यम से गया है। तो अनलोडिंग के बाद हमारे वीआरपी क्या करते हैं, वो टोटल वो काउंट कर लेते हैं, उसके बाद उस पर वो साइन कर देते हैं। वही ट्रैक्टर वाले का अपना रिसीविंग होता है कि आपने जितना फील्ड से पोटैटो उठाया था जितना पैकेट उतना आपने कोल्ड स्टोर पे जमा कर दिया, और उसी के बेसिस पे हम लोग ट्रैक्टर वाले को भी पेमेंट करते हैं। अनलोडिंग के बाद क्या होता है कि अगर उसमें कुछ पैकेट ऐसा लगा कि जो सिलाई सही से नहीं हुआ था या फट गया है, या किसी का टैगिंग अगर फट गया है या गुम हो गया है या भूल गया है, तो हमारे जो वीआरपी होते हैं उसको वापस क्या करते हैं कि उसको फटे हुए बोरे को या डैमेज बोरे को वापस उसको सील देते हैं। और उसके बाद अगर कहीं टैगिंग वगैरह अगर छूट जाता है तो क्या करते हैं कि उस पर वापस टैगिंग कर देते हैं उस चालान को देखते हुए। उसके बाद क्या होता है कि वहां जो कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक होते हैं उनको ये बता दिया जाता है कि हमारा आज इस ट्रैक्टर से इतना हमारा पोटैटो का बोरे आए हैं, और कोल्ड स्टोरेज वाले क्या करते हैं कि उसको अपने तरीके से काउंट कर लेते हैं और उसमें क्या करते हैं वो अपना भी एक टैग लगाते हैं। जब भी कस्टमर का कोई यहाँ आलू का लॉट आता है सबसे पहले हम रजिस्टर में दर्ज करने के साथ एक कार्ड इशू करते हैं। इस कार्ड में जो है प्रॉपर डिटेल्स दिया रहता है, जैसे कस्टमर सहयोग महिला जीविका प्रोड्यूसर ग्रुप है, इसने 7 तारीख को पैकेट लाया है, कुल 120 पैकेट लाया है, एवरेज वजन 50 केजी है, ये सारा डिटेल इसमें लिखा हुआ है। जब हम इसको अंदर लोड करने के लिए जाते हैं तो इसका यहाँ से जो है टुकड़ा अलग कर लिया जाता है और ये कहाँ रखा जा रहा है प्रॉपर इसमें तो मतलब फ्लोर नंबर, खटाल नंबर, आगे पीछे लेफ्ट राइट सब कुछ इसमें दर्ज हो जाता है। जब भी इसके निकालने के लिए ऑर्डर आता है तो सेम ये कार्ड जो है आधा हिस्सा लेबर को दिया जाता है निकालने के लिए और आधा पार्ट्स जो है बाहर के स्टाफ को दे दिया जाता है कि ये माल निकल के अंदर आ रहा है। इससे होता क्या है कि हर हाल में जिस कस्टमर का माल है सेम टू सेम वही डिलीवरी हो, यह इससे सुनिश्चित हो जाता है और किसी प्रकार के एक पैकेट के भी उलटफेर की कोई संभावना यहाँ नहीं रह जाती है। जब शेड में आलू आ जाता है तो हम लोग उसको 2 से 3 दिन तक यहीं रखते हैं, चूँकि कभी कभी होता क्या है कि कई दिनों से आलू बाहर में रखा हुआ है उसका टेम्परेचर ये हो गया है तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए उसके बाद हम लोग उसको अंदर चैम्बर के अंदर डालने का प्रोसेस शुरू करवाते हैं। ये हमारा कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ जब भी माल आता है तो हम हर फ्लोर के हर रैक के हर खटाल पे अलग अलग मार्किंग किए हुए हैं। जैसे यहाँ आप सामने देख रहे हैं B9, B10, B11, ABCD जो भी पूरा टोटल कोडिंग है और कौन सा पैकेट किस कस्टमर का किस ब्लॉक के किस सेक्शन में रखा हुआ है ये सारा हमारे यहाँ दर्ज रहता है। और यहाँ पे जो है हर फ्लोर पर टेम्परेचर मेंटेन कर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए थर्मामीटर भी हम लोग लगा के रखे हुए हैं। जैसे इस फ्लोर का देखिए यहाँ पे है प्रॉपर काउंट होता है कि जरूरत के हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है या नहीं और उस हिसाब से हम लोग मशीन चलाने का आवर जो है वो घटाते और बढ़ाते रहते हैं। नमस्कार, मैं नीतीश हूँ और मैं यहाँ सीनियर एसोसिएट के पद पे टेक्नोसर्व से जुड़ा हुआ हूँ। तो जैसे हमारा जो है सारे लॉट उतर जाते हैं तो हमारा शुरू से ही फोकस रहा है कि हम एक एक बैग को जो है बारीकी से चेक करें कि जो माल हमारा वहां से निकला है आलू उसी कंडीशन में वहां तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो हम जो है सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या सारी बोरी जो हमारी आई है आलू की उसमें कोडिंग हुई है कि नहीं। अगर कोई कोडिंग मिसिंग है तो पहले हमारे साथ हमारे कुछ स्टाफ्स हैं, कोलीग्स हैं,
सारी क्वालिटी पैरामीटर्स पे वो खरा उतरता है, उसके बाद ही हम उसकी जो है फाइनल एंट्री जो है हम अपने MIS में और अपने एक्सेल शीट जो हम मेंटेन कर रहे हैं उसमें करते हैं। नमस्ते, मैं नितीश शंकर यहाँ पे टेक्नोसर्व में सीनियर एसोसिएट के पोस्ट पे हूँ और अभी यहाँ पे हम मेरा मुख्य काम मेन काम ये है कि जो भी हमारे ट्रैक्टर्स फील्ड से पोटैटोज के साथ यहाँ पहुँचते हैं पैकेट्स में, उनकी चलान वाइज मुझे यहाँ पे MIS एंट्री करनी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पीजी वाइज फार्मर्स वीक का भी हम लोग वो जो पैकेट्स आते हैं उनको मेंशन करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि इस पीजी से कितना माल आया। ठीक है, इसके अलावा डेट वाइज जैसे कि उनके मतलब से एक दिन में हमारे 10 से 15 ट्रैक्टर भी आते हैं, उसको कौन से ट्रैक्टर के पेमेंट अगर कोई मेरी खुली हुई है उसकी सिलाई अच्छे से नहीं हुई है इजीली मॉनिटर कर पाते हैं कि किस ड्राइवर को हमें कितना बोरी फट गई है। ठीक है, बोरी को भी हमें यहां चेंज करने की व्यवस्था हमें ये सब पे रखी है, मतलब कि एक सहूलियत मिलती है। इसके अलावा जो हमारी एंट्री हो जाती है तो उसके बाद हम लोग एक रजिस्टर भी बनाया है, इस रजिस्टर पे भी हम लोग डेट वाइज एंट्री करते हैं। जब हमारा आलू का ट्रैक्टर कोल्ड स्टोर पे पहुंचता है तो ट्रैक्टर का ड्राइवर जो है वो हमें ये चालान देता है कि ये इस चालान का हमने इतना प्रोडक्ट लेके हमारे ट्रैक्टर पे हम आए हैं। तो इस चालान के माध्यम से जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है उन सारी इन्फॉर्मेशन को हम रजिस्टर में एंट्री करते हैं। तो जैसे हमारे रजिस्टर पे एंट्री हुई उसके बाद हम कंफर्मेशन अपने फील्ड स्टाफ से भी कर लेते हैं कि हाँ इतना हमारे पास चालान आया है, आपने उतना भेजा है, सब क्लियरिटी हो जाती है। उसके बाद से फिर हम लोग उसको फाइनल अपने एक्सेल शीट पे सिस्टम पे सॉफ्ट कॉपी में हम लोग मेंशन करते हैं। यहाँ पे हमारे जो भी प्रोडक्ट्स पोटैटो के आए हैं यहाँ पे ट्रैक्टर से अनलोड होने हुए उसके बाद से नरेंद्र जी ने वहाँ पे अगर उसको काउंट कर लिया और काउंट करने के बाद चालान से मैच कर गया फिर उन्होंने जाके यहाँ के मुंशी जी को बताया कि हमारे इतने प्रोडक्ट्स इतने पैकेट्स आए हैं आप एक बार गिन लीजिए। जब वो गिन लेते हैं गिनने के बाद उनकी तरफ से भी कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ आपके जो जितने चालान आए हैं वो मैच कर रहे हैं नंबर ऑफ पैकेट से। तो वो क्या करते हैं कि अपने यहाँ से एक अपना रिसीविंग एक रिसीट जो है प्राप्ति रसीद वो हमें देते हैं ताकि एक हमारे पास भी एक रसीद हो उनकी तरफ से कि हमने हमारे कोल्ड स्टोर में आपके इतने पैकेट्स स्टोर हो चुके हैं। ये है वो कोल्ड स्टोर रिसीविंग रिसीट। तो ये रसीद हमारे लिए एक प्रूफ हो जाता है कि हमारे फार्मर के इतने पैकेट्स कोल्ड स्टोर में जमा हो गए हैं और ये कोल्ड स्टोर की लायबिलिटी होती है बन जाती है कि अगर इन फ्यूचर जब हमारे सेलिंग का जब टाइम आए उस टाइम पे अगर कोई एक पैकेट भी अगर मिसप्लेस हो जाए तो कोल्ड स्टोर ये हमें रिटर्न देगा। तो एक बार ट्रैक्टर आने के बाद जैसा कि मैंने बताया मैं और मेरे साथी मिल करके ये कंप्लीट प्रोसेस अनलोडिंग से लेकर के क्वालिटी पैरामीटर्स चेक करना, उसके जो है सीजनिंग करना, ड्राइंग करना और स्टोर करना और उसकी फिर MIS एंट्री और फाइनल रिसीट हमें प्राप्त करना, ये कंप्लीट प्रोसेस है हमारी यहाँ पे। और उस अगर इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, हम हर समय किसी भी प्रोसेस को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब रही बात उस पोटैटो का जो कोल्ड स्टोर में स्टोर किया गया है, इस बार का अगर देखें तो हम लोगों ने 1200 से ज़्यादा मेट्रिक टन पोटैटो हम लोगों ने कोल्ड स्टोर में स्टोर किया है और हम लोग इंतज़ार करेंगे 3-4 महीने के बाद जब इसका प्राइस अच्छा मिलेगा तब इसको हम लोग जीविका और जो टेक्नोसर्व की जो मार्केटिंग एक्सपर्ट टीम है उनकी मदद से हम लोग इसको अच्छा दाम पे बेच पाए, जिसके लिए हम लोग अभी से ही लगे हुए, हमारी मार्केटिंग टीम लगा हुआ है कि जो बड़े बड़े जो कंपनी है जैसे NCDX वगैरह हो गया तो उनसे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारा ग्रेडेड पोटैटो जो रखा हुआ है अलग अलग क्वालिटी के जो पोटैटो हमारे रखे हुए हैं उनको हम लोग जब अच्छा प्राइस मिलेगा तब बेचेंगे। उसके बाद बेचने के बाद जो प्रॉफिट होगा तो उसका जो प्रॉफिट है हम लोग किसानों को ही देंगे। हाँ, उसका कुछ पार्ट जो है प्रोड्यूसर कंपनी अपने पास रखेगी अपने कॉर्पस के लिए सो दैट कि आगे भी इस अपना अलग अलग और भी इंटरवेंशन में हम लोग कॉर्पस फंड का यूटिलाइज कर पाए।